फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कपल जो साथ में रहते हैं सुबह उठते हैं, मगर जो हस्बैंड है वो काफी शांत और डरा हुआ सा लग रहा होता है। अचानक से वो बैल्कनी की तरफ जाता है और वहां से कूद के अपनी जान ले लेता है और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से फिल्म द क्रश शुरू होती है। इससे पहले आगे बढ़े लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम फिल्म में देखते हैं कि एक घर में एक मेड घर की सीनियर लेडी का ध्यान रख रही होती है। अगर इस सीनियर लेडी का ये मेड ध्यान रखती है वो काफी बीमार है और उसको कुछ समझ नहीं आता है। तब हम देखते हैं कि मेड को घर से कोई आवाज आती है। वो देखने जाती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तब अचानक से एक भूतिया औरत आती है और उसको जान से मार देती है। और वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक यंग कपल एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में फिर वो दोनों तैयार होके अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। ये औरत जिसका नाम है कैरन अपने ऑफिस पहुंचती है। तब उसका बॉस उससे मिलता है और उसे कहता है कि कैरन को एक नया प्रोजेक्ट मिला है। प्रोजेक्ट के हिसाब से कैरन को एक बूढ़ी औरत का ध्यान रखना होगा और जो ये बूढ़ी औरत है ये वही है जिसकी मेड को एक भूतिया औरत ने मार दिया था। अब हम देखते हैं कि कैरन उस बूढ़िया औरत के घर जाती है और जब वो औरत से बात करने लगती है तब वो औरत कोई रिप्लाई नहीं करती। अब कैरन उस औरत का ध्यान रखने के लिए घर में चली जाती है और बूढ़ी औरत की हेल्प करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में कैरन को भी कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती है। तब कैरन ये देखने की आवाज कहाँ से आ रही है आगे जाती है। तब वो एक जगह पहुंचती है और यहाँ देखती है कि एक कमरे में एक दरवाजा है जिसपे बहुत सारी टेप लगाई हुई है और टेप ऐसी लगाई है कि जैसे उस कमरे को लॉक किया गया हो। कैरन उस डोर की टेप्स को हटा देती है और फिर उसको वहाँ मिलती है एक डायरी। कैरन उस डायरी को उठा के पढ़ने लगती है तब उसको वहाँ एक काली बिल्ली दिखती है जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जब वो खुद को संभालने लगती है तब उसको एक छोटा बच्चा वहाँ मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो डर के भाग के बुढ़िया औरत के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो कौन बच्चा है, मगर तब उसको दिखता है कि वो बूढ़ी औरत किसी से बात कर रही है। मगर जब वो देखती है कि कौन है जिससे ये औरत बात कर रही है तब उसको कुछ नहीं दिखता, लेकिन अचानक से वहाँ पे एक भूतिया शक्ति आ जाती है जिसको देखकर कैरन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। अब हम फिल्म में एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये फ्लैशबैक इस बूढ़ी औरत का पास्ट है और इसमें हम देखते हैं कि ये बूढ़ी औरत अपनी फैमिली के साथ इस घर को खरीदने आई है, लेकिन जब वो इस घर में घुसती है तब उसको अजीब सी चीजें दिखनी और सुनाई देने लग जाती है। और बल्कि इस औरत को ही नहीं, वो जो घर बेच रहा होता है बेसिकली जो ब्रोकर है इस घर का, उसको भी बाथरूम में एक बच्चा दिखता है, मगर वो किसी को इन्फॉर्म नहीं करता और वो घर इस फैमिली को बेच देता है। जब ये फैमिली इस घर में शिफ्ट हो जाती है अब इनके साथ अजीब हरकतें होने लग जाती है और धीरे धीरे ये हरकतें इतनी बढ़ जाती है कि जब एक शाम को बूढ़ी औरत का बेटा वापस घर आता है काम से तब उसको दिखता है कि उसका घर बहुत ही बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। जब वो अपनी माँ से पूछने जाता है कि ऐसा क्या हुआ है तब उसकी माँ भी उसे नहीं बताती है और वो अपनी बीवी को ढूंढते हुए अपने कमरे में जाता है। तब वो अपनी बीवी को देखता है और उसे पूछने लगता है कि हुआ क्या है, लेकिन तभी अचानक से एक भूतिया बच्चा वहाँ आ जाता है और उनको मार देता है। अब हम वापस फिल्म में प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि कैरन का बॉस कैरन को ढूंढते हुए उस औरत के घर आता है, लेकिन जब वो उस घर में घुसता है उसको लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है। तब वो पुलिस को फोन कर देता है। जब पुलिस आती है तब वो उससे सवाल करने लगती है जैसे कि वो कौन है, कहां से आया और यहां क्यों आया है। जब वो सब इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देता है तब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को एक सस्पिशियस सा दिखने वाला रूम मिलता है। जब उस रूम को देखने लगते हैं ऑफिसर तब उनको वहां दो डेड बॉडी भी मिलती है। ये जो डेड बॉडी है वो है बूढ़ी औरत के बेटे और बहू के। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैरन को जब होश आता है तब वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। तब वहाँ वो पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो कैरन से सवाल करने लगते हैं। तब कैरन बताती है कि उसको घर में एक बच्चा और एक औरत दिखी थी जो भूतिया से थे। तब पुलिस ऑफिसर उसको एक फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो बच्चा ये है। तब कैरन फोटो देख के बताती है कि हाँ ये वो ही बच्चा है जिसको इसने घर में देखा था। पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बताता है कि इस तस्वीर में जो बच्चा है
वो 3 साल पहले ही मर गया था। अब हम देखते हैं कि एक लड़की है, वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। काम करते हुए उसे पता चलता है कि उसको काफ़ी देर हो गई है और उसको अब घर जाना चाहिए। तब वो घर जाने लगती है, मगर उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। जब वो आगे जाने लगती है तब उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। तब वो वहाँ से भाग के आगे जाने लगती है। तब उस लड़की को भूतिया बच्चा दिखता है। तब वो वहाँ से डर के भाग जाती है और भाग के उस ऑफिस के सिक्योरिटी ऑफिसर के पास पहुँचती है और फिर वो बताती है कि कोई है इस ऑफिस में जो इसके पीछे पड़ा हुआ है। तब सिक्योरिटी गार्ड उसको अपने रूम में रुकने को कहता है और खुद ऑफिस बिल्डिंग को चेक करने चला जाता है। मगर जब वो लड़की सीसीटीवी फुटेज के जरिए से उस गार्ड को एक्सप्लोर करता देख रही होती है, तब उसको फुटेज के थ्रू दिखता है कि कोई भूतिया आत्मा है जो वहाँ है। तब वो लड़की डर के वहाँ से भाग जाती है और अपने घर चली जाती है। अपने घर पहुँचने के बाद वो अपनी रसाई में छुप जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भूतिया आत्मा आती है और उस लड़की को भी मार देती है। अब हम देखते हैं कि कैरन अपने हस्बैंड को मिलने जाती है। कैरन का ये मानना है कि अगर वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करेगी तो शायद जो उसको डर लग रहा है वहाँ से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, जिसके कारण उसका मन से डर भी हट जाएगा। लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ बस में जा रही होती है तब कैरन को वो भूतिया शख्स फिर से दिखाई देती है, जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब रात को देखते हैं कि कैरन का बॉस ऑफिस से निकल के अपने घर जाने लगता है। तब उसको एक लड़की दिखाई देती है और ये जो लड़की है ये बहुत ही ज्यादा घायल है। वो उस लड़की की हेल्प करने उसके पास जाता है, मगर जब वो लड़की मुड़ती है तब उसको दिखता है कि वो लड़की का नीचे का जबड़ा नहीं है। और अब यहाँ हमें इस बॉस के सिर्फ चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब फिल्म में हम देखते हैं कि कैरन को शक होने लग जाता है कि कुछ तो बड़ा सीन है, इसलिए वो इंटरनेट के जरिए उस बूढ़ी औरत के घर और उस घर से रिलेटेड सभी लोगों पे रिसर्च करने लगती है। तब उसको रिसर्च से पता चलता है उस घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें से हस्बैंड ने एक बार अपने छोटे बेटे और बीवी को जान से मार दिया था और फिर खुद को भी जान से मार दिया था। और ये जो फैमिली होती है जिसकी ऐसी डेथ हुई थी, ये वही है जिसकी फोटो पुलिस ऑफिसर ने कैरन को हॉस्पिटल में दिखाई थी। और यही नहीं बल्कि कैरन को पता चलता है कि एक प्रोफेसर ने बिल्डिंग से कूद के अपनी जान ले ली थी और ये प्रोफेसर वही है जिसको फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। तब हम फिल्म में देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। तब उसको फुटेज में वो भूतिया शख्स भी दिख जाता है और वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है। जब अगली सुबह कैरन उस प्रोफेसर की बीवी से मिलने जाती है, दरअसल कैरन का ये मानना है कि प्रोफेसर का सुसाइड और उस बूढ़ी औरत वाले घर की ओरिजिनल फैमिली की डेथ का कुछ तो कनेक्शन है। प्रोफेसर की बीवी कैरन को फोटोज दिखाने लगती है, तब कैरन उस फोटो पे ध्यान देने लगती है। तब उसको पता चलता है कि प्रोफेसर की हर फोटो में वो औरत है जिसको उसके हस्बैंड ने मार दिया था। कैरन अब बिल्कुल श्योर हो जाती है कि इन डेथ का आपस में कुछ तो कनेक्शन है, इसलिए वो अब यहाँ से निकल के पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। तब वो पुलिस ऑफिसर को बताने लगती है फोटो में उस लड़की का होना और हर डेथ का कनेक्शन। तब वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि जब 3 साल पहले उस घर में डेथ हुई थी तब वो अपने 2 साथी के साथ इन डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके 2 साथी मारे गए थे और उसने डर के मारे इस केस को बंद कर दिया था। और फिर पुलिस ऑफिसर बताता है कि कैरन को इस केस में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इस घर पे द ग्रज कर्स है। तब उस रात को वो ऑफिसर उस घर की तरफ अकेले जाता है। इस ऑफिसर का ये मानना है कि अगर वो इस घर को ही जला देगा तो कर्स खत्म हो जाएगा, जिस कारण किसी और की डेथ नहीं होगी। लेकिन जब वो घर के अंदर जाता है तब उसको एक छोटा बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाता है तब उसे एक बच्चा बाथरूम में डूबता हुआ दिखाई देता है। जब वो उसकी हेल्प करने लगता है तब उस पे हमला होता है, जिस कारण उस ऑफिसर की भी डेथ हो जाती है। तब हम देखते हैं कि कैरन अपने घर जाती है। अब कैरन को मैसेज के थ्रू पता चलता है कि क्योंकि दिन भर कैरन से बात नहीं हो पाती, इसलिए उसके हस्बैंड को लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो कैरन को ढूंढने के लिए उस बूढ़ी औरत के घर जा रहा है। तब कैरन डर जाती है और अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए भाग के जाती है। जब कैरन उस घर के अंदर पहुंचती है
तब उसके सामने फ्लैशबैक आने लगते हैं और इन फ्लैशबैक से पता चलता है कि प्रोफेसर पीटर उस घर में है और उस घर में पीटर को एक डायरी मिलती है। इस डायरी में पीटर का नाम कई बार लिखा हुआ था, किसी ने पीटर से लव कन्फेशन से लिखे हुए थे। इस डायरी से पता चलता है कि जिसने भी ये लिखा है वो बहुत ही ज्यादा पीटर को लेके ऑब्सेस्ड है। पीटर को पता चलता है कि ये डायरी कयाको की है और ये डायरी पे जो भी लिखा हुआ है ये लेडी कयाको का है और वो पीटर से बहुत प्यार करती थी और वो पीटर को लेके बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड थी, लेकिन पीटर को उसके बारे में कभी भी कुछ पता ही नहीं था। लेकिन एक बार ये डायरी कयाको के हस्बैंड को मिलती है और जब हस्बैंड ये सब मैसेजेस जो कयाको ने पीटर के लिए लिखे हुए थे पढ़ लेता है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपनी बीवी को अपने बच्चे के सामने जान से मार देता है और उसके बाद अपनी काली बिल्ली को भी मार देता है, फिर अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबा के तड़पा तड़पा के मारता है। अब हमें पता चलता है कि ये ही गुस्सा था जिसके कारण ये कर्ज पैदा हुआ था, इस कर्ज का, और इस कर्ज के कारण ही पहले उस प्रोफेसर की डेथ हुई, फिर उस बूढ़ी औरत के फैमिली की डेथ हुई, उसके बाद पुलिस ऑफिसर के दो साथियों की डेथ हुई और उसके बाद पुलिस ऑफिसर की भी डेथ हो गई और अब ये कर्ज कैरन और उसके हस्बैंड को भी मार देगा। तब हम देखते हैं कि कयाको की आत्मा आती है और कैरन के हस्बैंड को भी मार देती है, लेकिन जब वो कैरन को मारने लगती है तब कैरन उस घर में पेट्रोल डाल देती है। ये पेट्रोल वही है जो पुलिस ऑफिसर इस घर में लेके आया था, अगर इससे पहले वो घर को जलाता उसकी डेथ हो गई थी। और फिर कैरन पेट्रोल डाल के इस घर को जला देती है। अब फिल्म में हम देखते हैं कि कैरन हॉस्पिटल में है और वो देखने जाती है अपने हस्बैंड को, लेकिन उसको पता चलता है कि जब ये घर जला था तब वो तो किसी तरीके से बच गई, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं बच पाया। तब वह कैरन के पास कयाको की आत्मा आती है और यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है। जाते जाते आपको बता दें कि फिल्म द क्रज 2004 में रिलीज हुई थी। ये एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को IMDb में 5.9 आउट ऑफ 10 मिले हैं और साथ ही मिले हैं 40% रॉटन टोमेटोस। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।